हैं, इस दुनिया में कला से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कला ही वो है जो इंसान को उसकी सच्ची पहचान दिलवाती है। ऐसी ही पहचान डीआईटी सुपर मॉम्स में मजदूरी करने वाली वर्षा को भी मिली। वर्षा को ऑडिशन में जहां तीनों जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तो वहीं परफॉर्मेंस के बाद जब जजेस ने वर्षा से पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है, तो उनके पति ने बताया कि कर्जा लेकर वर्षा को यहां पर लेकर आया था, और अब जब वर्षा ऐसे कपड़े पहन रही है, लोग वर्षा को टीवी पर देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम न जाने कितना कमाते हैं, इसीलिए वो हमें परेशान कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द पैसे वापस करें। जिस पर रेमो डिसूजा ने वर्षा के टैलेंट को देखते हुए ये जवाब दिया कि वर्षा जो कपड़े पहन रही है वो चैनल दे रहा है ताकि परफॉर्मेंसेस हो सके। हम कंटेस्टेंट्स को यहाँ परफॉर्म करने की सैलरी नहीं देते हैं। रेमो डिसूजा ने आगे कहा कि जब ये शो खत्म होगा तब यकीनन वर्षा बहुत पैसे कमाएगी, लेकिन अगर आपको अपने पैसे अभी चाहिए तो आपको आपके पैसे मैं दूंगा। जी हाँ, मजदूरी से डीआईटी सुपर मॉम्स का सफर तय करने वाली वर्षा की मदद के लिए आगे आए रेमो। रेमो डिसूजा ने ये भी कहा कि अब कोई भी वर्षा को परेशान न करे ताकि वो अपनी रिहर्सल्स और अपने डांस पर फोकस कर सके। वेल, रेमो डिसूजा एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। फाइनल कॉट न्यूज डेस्क।